चले आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियों और अगले एक साल के रोडमैप को मीडिया से साझा किया। जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीते एक साल में हमने देश में विश्वास का माहौल कायम किया है और उनकी सरकार पारदर्शी शासन देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। जेटली ने विदेश मोर्चे, घरेलू मोर्चे, आर्थिक मोर्चे, ऊर्जा सेक्टर समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने सरकार के पहले एक साल की कई बड़ी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि रुकावटों के बावजूद फैसला लेना उनकी सरकार का हॉलमार्क है। ये एक वर्ष उस दिशा को दिखलाता है जिस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में ये एनडीए सरकार काम कर रही है। सरकार के विभिन्न विभाग अपने किस्म की नई ऊर्जा और दिशा के साथ काम करते रहे हैं। पहले वर्ष में केवल देश में नहीं पूरे विश्व में भारत का और प्रधानमंत्री जी का एक अपना प्रभाव भी बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें, हाईवेज, एक सरकार का विशेष एम्फसिस इन क्षेत्रों में रहा। रेलवेज ने कई नए इनिशिएटिव्स आरंभ किए हैं। अर्बन डेवलपमेंट अपने स्मार्ट सिटीज का जो पूरी योजना उनकी तैयार हुई है, एक अपना प्रभाव छोड़ती है। डायनामिक लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स एंड। तो सरकार के एक साल का लेखा जोखा पेश किया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। कहा है कि विश्वास का माहौल पैदा हुआ है। अगले एक साल का रोडमैप भी उन्होंने मीडिया के साथ साझा किया। जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि पिछले एक साल में देश में विश्वास का माहौल कायम हुआ है और उनकी सरकार पारदर्शी शासन देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। जेटली ने विदेश मोर्चे, घरेलू मोर्चे, आर्थिक मोर्चे, ऊर्जा सेक्टर समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार के पहले एक साल में कई बड़ी उपलब्धियां जुड़ी हैं और साथ ही भी कहा कि रुकावटों के बावजूद फैसला लेना उनकी सरकार का हॉलमार्क है।